हरे कृष्ण, आज के अपने स्पेशल आचार रेसिपी। तो आचार कार ना भालो लागे, आचार देखले मुखे जल आसे ना एमन लोक पावा खुबी मुश्किल। तो आज के अपने काचा आम, लेबू एवं मरीचर आचार रेसिपी तैरी करे देखाबो। आपनारा अवश्य भिडियोटी ना टेने सम्पूर्ण देखार चेष्टा करुन, आइटेमटी आपनादेर काछे अनेक अनेक भालो लागबे। तो देखते पाच्छेन आमरा आम एवं लेबू के 8 पिस करे केटे नियेछि एवं लेबूर भितरे जे बीचिगुलो आछे सेगुलो आमरा फेले देब। एवं देखते पाच्छेन काचा मरीचगुलो आमरा छोटो छोटो करे केटे नियेछि एवं किछु लेबूर रस आमरा बेर करे नेब जेन लेबूते तितो तितो भाव ना थाके। तो एखन दिए देव लवण, हाथेर मुठे एक मुठ लवण दिए दिच्छि आमि। तो ये आचारे लवण एकटु बेशि लागे एवं दिए देव 3 चामच परिमाणे हलुद। हलुद एवं लवणगुलो भालो करे मिक्सार करे नेब आम, लेबू एवं मरीचे। तो ये आम लेबू काचा मरीच मिक्सार करार परे एखन दिए दिच्छि 1 चामच परिमाणे हिंग एवं दिए देव काश्मीरी कलार मरीच। ये काश्मीरी कलार मरीच आमरा दिए दिच्छि 1 कप परिमाणे, केननা ये मरीचटा दिले आचारेर कलरटा अनेक सुंदर आसबे। ये मरीच किन्तु जाल ना, एटी कलार करार जन्य एखाने देया हच्छे। ये आचारे आमरा जे जे मसला व्यवहार करब, धनिया, कालो सरिषा, जीरा, मिष्टि जीरा एवं मेथी। तो प्रथम आमरा धनिया एवं जीरा एवं अन्यान्य जे मसलागुलो आछे सबगुलो एकसाथे करे आमरा भेजे नेब। एवं दिए दिच्छि किछु गोलमरीच। तो ये मसला किन्तु आमरा बेशी भाजबो ना, हल्का बादामी कलर होले पर आमरा नामिये नेब, बेशी भाजले आबार तीतो हो जाबे। देखते पाच्छेन आमरा हल्का भेजेछि, बेशी भाजिनि। एवं ए आचारे जे तेल व्यवहार करब सेटि होच्छे सरिषार तेल। तो आमरा हाफ लिटार थेके एकटु बेशी सरिषार तेल गरम करे नेब एवं जे मसलागुलो आमरा भेजे नियेछि सेगुलो आमरा एखन ब्लेंडिंग करे निच्छि। तो देखते पाच्छेन मसलागुलो आमादेर ब्लेंडिंग हये गेछे। एखन आमरा आम, काचामरीच एवं लेबूते एगुलो मिक्सार करे नेब। तो मसलागुलो मिक्सार होवार परे एखन जे तेलगुलो आमरा गरम करे नियेछि তা দিয়ে দিচ্ছি। বাহ, অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার তেল দেওয়ার সাথে সাথে আচার থেকে আসছে। আসলে সত্যি অসাধারণ একটি সেন্ট বের হচ্ছে আচার থেকে এবং আমরা ভালো করে মিক্সার করে নেব এখন। তো এইভাবে করে আপনারা এই সুন্দর আচার তৈরি করে নিতে পারেন। দীর্ঘদিন রেখে আপনারা খেতে পারেন, বিশেষ করে গরম গরম খিচুড়ি, রুটি এবং অন্যের সাথেও আপনারা এই আচার দিয়ে খেতে পারেন। তো এই আচারটি অত্যন্ত টেস্টি এবং সুস্বাদু। মাঝে মাঝে রোদে শুকিয়ে নেবেন, আপনারা দীর্ঘদিন এই আচারটি সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন। তো আচারটি যত পুরনো হবে ততই টেস্ট বেশি হবে। তো অবশ্যই আপনারা কাঁচের বয়মে এই আচার সংরক্ষণ করে রাখবেন। তো একই ফর্মুলাতে আপনারা কাঁচা আমের আচারও তৈরি করতে পারেন। তো ভিডিওটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।